रीवा बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बड़ी हरदी गांव में बने स्विमिंग पूल का सरकार के तरफ से नहीं दिया जा रहा है ध्यान। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द स्विमिंग पूल बनाने की सरकार से की है मांग। स्वर्गीय कैप्टन बजरंगी प्रसाद शुक्ला जी की स्मृति में बड़ी हरदी में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था। उनके मार्गदर्शन में यहाँ बच्चे सीखते थे, यहाँ तक कि पूरे देश में यहाँ के बच्चे नाम रोशन किए हैं। गांव के लगभग 50 बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। स्पोर्ट्स कोटे में प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज ये जर्जर हालत में है और अब यहाँ स्विमिंग के कंपटीशन बंद है, जबकि 5-6 साल पहले यहाँ संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। आज उनके परिवार से सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता अनुराग शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन इसका अवलोकन कर इसको पुनः चालू करवाए। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले में रीवा कमिश्नर को भी जानकारी दी है। अब देखना यह है कि कब तक प्रशासन की नज़र सरकारी स्विमिंग पूल बनाने में पड़ती है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये है बड़ी हरदी, यहाँ स्वर्गीय श्री कैप्टन बजरंगी प्रसाद शुक्ला जी की स्मृति में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था लगभग 20 साल पहले, और 5-6 साल पहले से यहाँ प्रतियोगिताएँ बंद हैं, जबकि यहाँ संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएँ होती थी और अभी भी लगभग इस गांव के 50 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं और सरकारी जॉब में हैं स्पोर्ट्स कोटे से। प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये जर्जर हालात में है। मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि इसकी मरम्मत करा के और पुनः इसको चालू कराया जाए। अब बोलो, बड़ी हरदी में ये कैप्टन बजरंगी प्रसाद शुक्ला तरणताल है जिसका निर्माण कैप्टन बजरंगी प्रसाद शुक्ला ने आज से 20-25 साल पहले करवाया गया था उन्हीं के द्वारा। वो हमारे देश के स्विमिंग डाइविंग वाटर पोलो के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। 1962 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पे ये स्विमिंग पूल बना जो अपने भारत देश में ग्रामीण लेवल का नंबर 1 स्विमिंग पूल है। यहाँ पे बड़ी हरदी से कम से कम हजारों बच्चे तैराकी सीख के बाहर निकल चुके हैं। यहाँ प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं, संभाग स्तरीय तक की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। अच्छा, पिछले 4-6 सालों से यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता आयोजित नहीं करवाई जा सकती क्योंकि इसमें इतनी गंदगी नहीं, वो तो देखे गंदगी है। हाँ, मतलब आप लोगों ने प्रशासन को सूचना दी फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन को पता भी है क्योंकि प्रशासन यहाँ पे संभाग स्तरीय कार्यक्रम करवाते थे। आज प्रशासन यहाँ पे स्विमिंग पूल में होता है मीरसेन तड़ताल में। कितने बच्चे स्विमिंग सीखते हैं यहाँ पे? पहले जब ये चलता था तो सीखते यहाँ पे कम से कम शुरू सुबह 60 बच्चे और शाम को भी 50-60 बच्चे डेली आते थे स्विमिंग सीखने गांव के या गांव के आसपास के गांव के।